सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो लोग प्रथम बार इस चैनल को और वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि वह तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जैसा जो बटन है उसको अवश्य दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगी और तुरंत आप उसको देख सकते हैं। आज का विषय है कि क्या आप हमेशा मुकदमों में फंसे रहते हैं। मित्रों, जीवन है तो जीवन में विवाद हैं। कई जगह ऐसी समस्या आती है, ऐसा कुछ विधान बन जाता है कि व्यक्ति को न चाहते हुए भी लड़ाई मोल लेनी पड़ती है और वह मुकदमे में फंस जाता है। तो कई लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। ये समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो किसी को खाते पीते और अच्छे तरीके से रहते नहीं देख सकते और वह कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं कि जिससे व्यक्ति को कठिनाई प्राप्त हो, उसको बंधन लगे और उसकी आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति और सभी प्रकार से जो उसको सुख मिल रहा है वो कम हो जाए और वो व्यक्ति बंधन में पड़ जाए। तो कभी कभी ग्रह योग के कारण ऐसा भी होता है कि कभी कुंडली के खराब दोषों की वजह से व्यक्ति को कारावास या फिर मुकदमे का सामना करना पड़ता है। कभी जमीन जायदाद संबंधी मामलों के कारण व्यक्ति को न चाहते हुए भी इन मामलों मुकदमों से जूझना पड़ता है। तो कभी परिवार के किसी सदस्य की मूर्खता के कारण, परिवार के किसी सदस्य की मूर्खता और बेवकूफी के कारण लोगों को इस प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। कई बच्चे दुराग्रह पूर्वक अपने माता पिता की इज्जत को ध्यान में ना रखते हुए कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जिससे उनको तकलीफ होती है और वो सारी तकलीफ उनके माता पिता को झेलनी पड़ती है। कुल मिलाकर के कैसे भी हो, यदि जीवन में किसी भी प्रकार से बंधन योग या कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं और लगा लगा करके थक गए हैं और न्याय की आशा बिल्कुल ही क्षीण दिख रही हो, तो जब कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के केस में फंसता है, चाहे वो फंसाया गया हो या उसने किसी पर केस किया हो, मुकदमा किया हो, दोनों स्थितियों में दुख तो दोनों पक्षों को ही झेलना पड़ता है। दोनों पक्षों को मुकदमा लड़ने में कष्ट ही प्राप्त होता है। ये बात अलग है कि जिसने व्यक्ति ने मुकदमा किया है तो वो ये भले ही समझे कि मैंने किसी को परेशान कर रखा है, पर उतनी परेशानी तो वो भी उठा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस प्रकार से करते हैं उनकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना ही चाहिए। अब बात आती है कि अगर देखिए होता क्या है कि अगर एक बार आप पहुंच गए वहां तो ना तो आपका वकील चाहेगा कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, जल्दी आपका मुकदमा निपट जाए, और ना ही वो प्रक्रिया इतनी दुरूह प्रक्रिया होती है कि बस तारीखों पर तारीखें और तारीखों पर तारीखें मिलती रहती है। इतने ज्यादा मुकदमों का भार अदालतों पर है कि वह सभी मुकदमों को न्याय त्वरित नहीं मिल सकता, वर्षों तक फाइलें ऐसे ही चला करती हैं।
इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान होता है उस पक्ष का जो कि पीड़ित होता है, और वह एक तो सामाजिक प्रताड़ना भी झेल रहा है और न्याय के द्वारा भी उसके साथ प्रताड़ना हो रही है, क्योंकि अगर 1-2 तारीखें अगर वो नहीं जाता तो उस पर वारंट कट जाता है और वो भी गैर जमानती। ऐसी स्थिति में न्याय मिलने की संभावना तो ना के बराबर ही लगती है। छोटे छोटे मुकदमों में जिनकी कोई विशेष वैल्यूएशन नहीं होती है, ऐसे मुकदमों में भी वर्षों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है कि फैसला। अब उस फैसले में उससे डर रहे हैं, उस फैसले से अगर दिक्कत हो रही है या कोई फैसला आ गया और आपके पक्ष में नहीं आया तो आपको बाहर ऊपर अपील करनी पड़ती है, फिर खर्चे का वसूल। इससे अच्छा ये है कि एक तो जिस व्यक्ति से आपका विवाद है आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप उससे संधि करें और उस मुकदमे को विड्रा करने का प्रयत्न करें कि वो विड्रा हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता, वह व्यक्ति ज्यादा ही धूर्त है, तो अब आपके पास बचता है एक तरीका, वह बचता है ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का तरीका। तो कुछ ऐसे साधनाएं हैं, ऐसी विधियां हैं गुप्त, जिनको गुप्त रखना ही श्रेयस्कर होगा। इन गुप्त विधियों को प्रयोग करके आप उन मुकदमों में विजय भी प्राप्त कर सकते हैं या मुकदमे को सरेंडर भी कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जिन लोगों को विश्वास हो आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में, जिन लोगों को विश्वास हो ईश्वर की असीम अगाध अनुकंपा पर अगर उनको विश्वास है, ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वह दीक्षा लेकर के संबंधित साधना करें और निश्चित रूप से उनको लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना होगी। ऐसा पहले भी हुआ है और ऐसा बाद में हुआ है। बाकी कुछ ऐसी बातें हैं जो वीडियो में नहीं बताई जा सकती, पब्लिकली यूट्यूब पर नहीं बोला जा सकता, वो हम नहीं बोलेंगे। वो केवल जब कोई व्यक्ति ऐसा संपर्क करेगा तो उससे पर्सनल बातचीत के माध्यम से वो बातें उसको बताई जाएंगी, यूट्यूब पर बताना ठीक नहीं है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकन दबा लें और इस प्रकार की वीडियो को अपने प्रिय मित्रों को जो आजकल परेशान है किसी भी तरीके से, उनको आप ये वीडियो शेयर करें। आपका दिन मंगल में हो, आपका शुभ हो और परेशानियां आपके जीवन से बाहर निकल जाए, इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो से यहीं विराम लेता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो लोग प्रथम बार इस चैनल को और वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि वह तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जैसा जो बटन है उसको अवश्य दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगी और तुरंत आप